महमूदिया जहां में यह प्यारा एक चमन है, इस दौर पूरे फितन में हक गवाह हक सुखन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुम सदियन मबाद कह रही है दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, चार सू छाई हैं अश्कों की घटाएं अलविदा, ये दरो दीवार ये सहने चमन ये लौ रखें किस तरह तेरी लिफाफत को फुलाएं अलविदा। हजरते ग्रामी, आज की शाम शाम गम और ये महफिल सराबा दर्दो बलंद है, दिलों में बेचैनी व बेबराई, समानों पर दुआएं जारी, आँखें पुरनम लबों पर सिस्कियाँ और मन पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, और आज की सरदाई बसमी में मेरा रोम रोम सांस और रुकनत यह एहसास कर रही है, विशाल है तो हिजर है, मिलाप है तो जुदाई है, वफा है तो जफा भी है, गुरबत है तो फुरबत भी है, इसी एहसास और हकीकत की वजह से मेरा हाथ कुछ यूँ है कि अपनी जबान से किस तरह किस्से गम बयान करूँ पढ़ने में निगाह को दिल की किताब समझ कर। दोस्तों, फला सौगवार है, माहौल अमनाक है, चमन में अफसुदगी है, गुलिस्तान के फूल मुरझाए हुए हैं, चेहरे उदास हैं, लब साकित हैं, जमाने खामोश हैं, धड़कने तेज हैं, रूहें बेचैन हैं, और जाने वाले वफा कदम भरने वाले जुदाई का तोहफा दिए जा रहे हैं। खैर, जब आपने जुदाई का गम देने का इरादा कर ही लिया है और उस मंजिल को पहुंच गए हैं जहां पहुंच कर हंसी खुशी और दारी मुबारकत दिया और सहा जाता है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी कोई भी गलती नज़रअंदाज कर देना, कोई है जो खता हमसे उसे आप माफ़ कर देना। दोस्तों, यकीनन इस चमन में हम आप एक साथ रहे, साथ पढ़े, साथ खेले, साथ उठे बैठे, हो सकता है कि जाने अनजाने में हम आपके साथ कोई ज्यादती कर गए हों, तो आप उस अफ़ के साए में जगह दें ताकि बेचैन दिल को कुछ चैन आए। खुदा का शुक्र है, एहसान फरामोशी नहीं आती, हमेशा आपके बख्शे हुए गम याद आएंगे। सब्र करते हुए हम ये घड़ी और ये दिन भुलाने की कोशिश करेंगे और ये सोच कर दिल को बहलाएंगे कि मेरे ये भाई आइंदा जिंदगी में इन्ना वल मुमिनून इखवा तआवनू अला बिर्रि व तक्वा तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर पर अमल पैरा होंगे, और ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, ना कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई, इमानदार बनेंगे। और आपसे हमारी तवक्को बनी रहेगी कि इंशाअल्लाह जिंदगी के किसी मोड़ पर आपसे हमारी मुलाकात हो, तो आपके सराफा को उसवे हसना के रंग में रखा हुआ और आपको खिदमत दी के तहत मुजाहिदी देकर हम ये तय उठे मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अब हम मुफारकत का सर मखाए हुए बहुत कुछ एहसास को दिल के खानों में छुपा कर नम आंखों से मकूम दिल के साथ आइंदा मुलाकात की उम्मीद किए हुए हम आपको सलाम कहते हैं और आपके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बुलंद मकासिद और पाकीज़ा अज़ाइम की तकमील फरमाए। आमीन। आती भी रहेगी तेरे अनफाज से खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महत्ता ही है।